Mama, I've got a feeling that I'm onto something. Assalamu alaikum everyone, welcome back to the channel once again. Hope aap log sare acche se hoge. Excited lag raha hu isliye because nayi gaadi ki feeling to kuch nahi hoti hai na. Wait. अब मैंने आप लोगों से पूछा था, याद होगा तकरीबन डेढ़ महीना पहले मैंने एक इंस्टा स्टोरी अपलोड की थी और इंस्टा से मुझे याद आया जिसने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो भाई इधर आओ तो मेक श्योर आज ही जाके इंस्टा ज्वाइन करो क्योंकि वहाँ वक्तन वक्तन स्टोरी लग रही होती है, वहाँ अपडेट जो है पहले आ रही होती है फिर व्लॉग बन रहा होता है. सो दैट इज़ व्हाई वहाँ मैंने स्टोरी अपलोड की थी. मैं गया था टोयोटा गार्डन मोटर्स, वहाँ जाके ना देखने में लेजेंडर गया था तो साथ ही साथ मैंने कहा चलो करोला को भी देख लेते हैं. वहाँ मेरे जेन बना के यार वाई नॉट गेट अ 1.6 करोला स्पेशल एडिशन. तो फिर मैंने उसके हवाले से भी स्टोरी उधर ही बनाई थी तो बहुत सारों ने कहा यार डोंट गो विद 1.6 बिकॉज हम लोगों के पास है यही 2019-20-21. चक्कर क्या है कि इसके अंदर ना पुराना गेयर बक्सा और इंजन है, सो टेक्निकली स्पीकिंग 1.8 ग्रैंड ही है, वो ज़्यादा अच्छा फ्यूल है, एफिशिएंट है, मतलब ज़्यादा माइलेज देती है इन कंपैरिजन टू 1.6. फिर मेरी वाले साहब से भी ऑब्वियसली बात हुई इस हवाले से तो उन्होंने भी पहले ही मुझे जोर लगा रहे थे. उनका दिल ये था कि एक्चुअली मैं सिविक की तरफ जाऊँ, बट मेरा ये था कि यार देखो मैंने जहाँ जाना होता है ना फ्लाइंग पे तो वहाँ जो है ना ये नाजुक गाड़ियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती. इमेजिन ये 2008 की करोला जो है ना वहाँ जाती रही है इतने साल, तो भाई यही गाड़ी है. हैट्स ऑफ टू टोयोटा फॉर दैट बिकॉज रफ एंड टफ है. यही सेविक होती ना तो कब की वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खिलर जानी, तो एग्जैक्टली वो ही होना था. तो क्या हुआ कि मैंने उसके बाद उनसे कहा कि नहीं यार लेट्स स्टिक टू करोला, उन्होंने कहा फिर बेटा 1.8 ले. सो दैट इज़ हाउ फिर मैंने वहाँ से जेन बनना शुरू किया. और इसी चक्कर में ना क्या हुआ कि लेने लेजेंडर गया था, एक्चुअली लेने नहीं गया था देखने गया था, क्योंकि मैंने उससे चंद माह पहले समवेयर इन अक्टूबर एंड या नवंबर के अंदर मैंने लेजेंडर भी बुक कराई हुई है. तो उन्होंने मुझे लास्ट मिनट पे फिर मैं आके कहा कि यार आप सिग्मा ले लो, मैंने कहा यार इट आई वाज कमिटेड टू अ लेजेंडर सो आई विल स्टिक टू दैट, आई डोंट वांट अ सिग्मा. सो उन्होंने कहा फिर आपको डिलीवरी जो है ना समवेयर इन मे मिलेगी. एंड वेयर एज ये करोला जो है, मैंने कहा यार देखो अभी रिसेंटली जो प्राइस हाइक आई है उसके मुताबिक जो ये मेरी पुरानी करोला ये बहुत अच्छी ऑफर्स लग रही है. सो आई थॉट के यार देखो अब पुरानी हो चुकी है, टायर भी डलने वाले हैं तो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपये के तो टायर डालेंगे. मैंने डिसाइड किया वाई नॉट जस्ट गो विद अ ब्रांड न्यू करोला, दो गाड़ियाँ हो जाएंगी, मतलब लोगों को लगेगा ना कि रेस्टोरेंट बहुत चल रहा है, तो कोई नहीं लगने दो, आखिर मेहनत कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई तो रिवॉर्ड आना चाहिए ना. तो खैर कहने का मकसद इतनी सी बात है कि फाइनली मैंने पिछले दिनों उसकी मैंने स्टोरी नहीं अपलोड की, मैं गया मैंने ऑन पे ऑन वगैरह मैं आपको बता दूंगा, वो आपको मैं पूरी शेयर करूंगा. अभी क्योंकि मैं चाय बस चाय के बगैर सुबह नहीं होती तो वहाँ जाऊँगा. और बाय द वे मैंने टोयोटा रावी से कराई थी, सो कराई नहीं बुक नहीं कराई, वो लेजेंडर कराई थी. ये है कि मैंने इनको ऑन दे के ऑब्वियसली गाड़ी खरीदी है, तो अभी ये है कि पे ऑर्डर ले कर जा रहा हूँ. बयाना तो पहले मैंने दे दिया था तो अब गाड़ी ने शश के ऑल दो मुझे चाहिए थी ब्लैक ऑन ब्लैक. आज ब्लैक ऑन ब्लैक का मतलब काली बाइट से अंदर से भी काली और उसका आपको पता है आई थिंक 30-35 हज़ार ज़्यादा पैसे इन कंपैरिजन टू ब्लैक, मतलब वो ब्लैक इंटीरियर नहीं वो दूसरा कौन सा है आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ कॉल्ड, बट वो इंटीरियर जो है ना थोड़ा सस्ता है. और थैंक यू सो मच जिन लोगों ने आके रिक्वेस्ट ऐसे ख़ासतौर पर की हुई है ना कि वो सिर पे से ऐसे उठा के दिखाना ज़रा ऐसे करके तो बड़ा मज़ा आता है ना. यस हमेशा के लिए ख़त्म ही कर दो, मैं तो कह रहा हूँ करा लो सबसे. अच्छा आप लोग राय दो क्या इसको कंप्लीट टेंट करा लेनी चाहिए कि फेक वेग, मतलब वेग है तो फेक ही है ना, ये पहननी चाहिए चलना नहीं है खुद अभी आए हैं तो खुद अभी मैं आया नहीं हूँ. अब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी मेरी नहीं है. चल ये क्या जब आप लोग आके मिलते हो ना तो यार इतना अच्छा लगता है जिस तरह अभी इनका नाम नहीं मैं पूछ सका, बट आप अगर आप देख रहे होगे कराची से तो ऑब्वियस ही बात है. वैसे जो है ना बड़े ये ऊपर से शेड पीछे करना ज़रा, ये
हाँ कैसा महसूस हो रहा है पुरानी से नई में जाने का सोच के? अच्छा लग रहा है ना, रिक्शा ना मार देना इधर ही आप, हम लोग जरा इनकी ड्राइविंग पे फोकस करें बिकॉज हमें डर बहुत लगता है। I've got a feeling that I'm onto something. Wings growing on my bed, and the pits that I feel when I think back and I check myself. फाइनली हम लोग जो है गाड़ी तो फिजान लेके निकल गया। फिजान ने तो इंतजार भी नहीं किया कि मैं जरा शॉर्ट शूट बना लूं। फिजान गाड़ी में बैठा है, बटन दबाया आदत पड़ गई थी चाबी की, तो उसने ऐसे करके बटन जब दबाया ना पुश स्टार्ट का, उसके बाद हम दूसरे गेट से बाहर निकले हैं, फिजान पहले ही जा चुका है, उसमें पेट्रोल ना होने के बराबर है और कहीं धक्का लगाना पड़ गया ना, यहाँ वाले पंप पे शोधा हो गया, रुका भी नहीं, कहता है किसी अच्छे पेट्रोल पंप से हाई ऑक्टेन डलवाऊंगा। मैंने कहा उससे पहले धक्का भी तू ही लगाएगा। तो फिजान ने तो इंतजार करने की हमारे, वो उसने कहा भाई तुम कौन हो। तो अभी जो है फुल ट्रैफिक वाला टाइम हो चुका है ठोकर पे खास तौर पे, और फिर नहर से कहीं भी आप एग्जिट कर रहे हो ना स्पेशली गार्डन टाउन वाले एरिया पे, तो फुल ऑन हैवी रश होता है। इसका हमने क्या करना है कि मैंने आपको जिस तरह बताया ना शुरू में कि ये अब जाने लगी है बेचारे, इसका ये है कि बड़े मतलब 0 मीटर ली थी, बड़ा सफर इस पे किया है, बहुत बहुत सी जगह पे इस पे सफर किया है, याद है आपको, मतलब मरी तो अनगिनत गई है बर्फ हर चीज में, और अटक हर जगह जा चुकी है, मेरा ख्याल है गुजरांवाला क्या फलाना क्या हर जगह जा चुकी है। तो ये 178,000 चल चुकी भी है, लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारी यादें हैं, लेकिन कभी भी गाड़ियों से ना मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम बहुत ज्यादा अटैचमेंट कर सके, होता है ना क्लासिक कार्स हो गई या बहुत कोई एग्जॉटिक कार्स है उसमें आपने अगेन कोई मेमोरीज बनाई हो तो फिर एक होता है उसको अटैचमेंट हो जाती, बट ये इसके साथ भी अटैचमेंट्स हैं, बट ऑब्वियसली यार आप पुरानी हो गई है, यू नीड समथिंग जिसपे आप आराम से मोटरवे पे सफर कर सको, ये ना सोचते हुए कि यार खुदा ना खास्ता ये खराब हो गई, बेल्ट टूट गई, ये हो गया वो हो गया, तो मतलब उस केस में जो है ना मैं समझता हूँ कि गाड़ी रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। यस ओ माय गॉड। सो फाइनली हमने फिजान को कैच अप किया है और फिजान ने शोधों की तरह जो है ना, मतलब मैं ये शोधों की तरह नहीं कहूँगा यार, हेलो नहीं भाई ऐनक लगाई हुई है, किधर हमें देखना है कोई, हम फिर भी हम अपनी पुरानी करोला पे एज यूजुअल तेज निकल गए, ये खासियत है, दैट इज व्हाई आई लव दिस करोला। कहीं भी चले जाओ जो मर्जी करो कोई परवाह नहीं है ना, बस गए। तो याद है कि नहीं याद, ये जो है ना कैंपस पे उतरो ना टुवर्ड्स गार्डन टाउन, तो ये दही भले वाला कितना पुराना है यार, है ना, मेरा ख्याल है मैं इसको जब से मैंने होश संभाली है मैं तब से देखता आ रहा हूँ, कितने 30 साल तो बहुत कम है, इससे ज्यादा ही है यार, और इसका पहले तो बहुत चलता था, अभी भी चलता है, अभी का मुझे नहीं पता। कॉमन डाउन क्या आप में से किसी ने खाया है कि नहीं खाया, ताकि हमें, मैंने एक्चुअली कभी नहीं इसे खाया, मैं खैर दही भल्लों का शौकीन भी नहीं हूँ, सो मैं चाट दही भल्ले अच्छी चीज है, मैं इसी गाड़ी पे खुश हूँ, मैंने क्या कहा था, मुझे नहीं, मैं तो इस पे नहीं नहीं, मुझे जो सबसे ज़्यादा होना है ना तकलीफ ये, जैसा मोटरवे का लगवाया था फिर कैंट पास मेरा लगा हुआ है, दूसरे टैक्स लगे हुए, दिस इज़ व्हाट आई विल मिस द मोस्ट, क्योंकि इसको लगवाने में ना नॉट मोटरवे वाला बट ये जो कैंट पास वाला ना इसको टाइम लगता है, और नई वाली पे आप लोगों को पता ही है, तो फिर कोई नहीं, ये भी है जब तक है बिकती नहीं है तो ठीक है, इसके बड़ी अच्छी ऑफर आई थी बट गेन मैं अब क्योंकि कीमतें ऊपर चढ़ गई तो सारी बात है,
हम भी ऊपर ही मांगेंगे ना। तो लो भाई गाड़ी आ गई है, फिजान साहब का स्टाइल ही नहीं मुकर है। अभी आप लोगों के सामने बड़ा कैंडिड हो के ना पूछता हूँ कि ये वाली अच्छी है कि वो अच्छी है। जरा मुझे ये बताएं कि ये वाली अच्छी है ना पुराने वाली? नहीं बिल्कुल अच्छी ये कैसे हो सकता है दगा दे रहे हो? उसकी तो ये वाली हवा वाली भी काम नहीं करती। मुझे तो अभी वही आदत थी, मैं चाबी निकालने लगा था कि उसको सीधा करूं। अच्छा जी ये तो हुई टीटी बंद। अच्छा मुझे आप लोग बता दो कि अगर आप लोगों को एक जनरल सा जेनेरिक किस्म का रिव्यू चाहिए तो मैं बना दूंगा। ऑल्दो देयर इज नॉट मच टू टॉक अबाउट टोयोटा करोलास, बट अगेन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अगला अगर आप लोग कहोगे तो मैं डेफिनेटली ज़रूर इसका एक रिव्यू छोटा मोटा जो जितनी मेरी सेंस है या नॉलेज है या जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है। तो मैं क्या छिछोरों की तरह जरा नई नई लगे तो कैमरे से ना उतारे यार, ये बैच के ऊपर से भी उतारे अभी तो थोड़े घंटे तक रहने दो ना, थोड़ा इधर ही अगर लगा दो इतने शोधेपन तो है ना, कितनी देर हम नहीं उतारेंगे। देखो मेरी नहीं है, मैंने क्या कहा था मैं नहीं चला कर आया तो इसलिए मुझे नहीं आप कह सकते। अब ये कितनी देर सीट कवर नहीं उतरेंगे ये देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अगर आप दो रहेंगे तो नहीं उतरेंगे। अच्छा अगर तीन हो जाएंगे तो फिर उतर जाएंगे। तो यहाँ जो है अभी नया चाइनीज वाला है, इसी बहाने फिजान और काशिफ ने डिसाइड किया है कि वो खाना खाएंगे। डाइटिंग पे हैं दोनों, टेस्ट कर रहे हैं दोनों डाइटिंग पे हैं। लेकिन दोनों को पड़ रहा है, दोनों एक दूसरे की गर्मी आ रही है, रमजान भी आ रहा है तो इंशाल्लाह तब होगी डाइटिंग शुरू। नहीं डाइटिंग भी इंशाल्लाह तब फिर फर्क नजर आएगा एक महीने के बाद। ये बनाया क्या है बाय द वे? ये कंग पाव चिकन है। कौन सा है कंग पाव चिकन? ये वाला। इसकी थोड़ी सॉस ऑफ लग, चिकन शाशलिक। ये शाशलिक चिकन है। चलो भाई बॉन एपेटिट। आप लीजिए, आपने तो खाना है मैंने तो चखना है। आपने चखना है ना, आप पहले चख लें ताकि हम बाद में फिर इसका। तो बर्तनों में ही रहने थे कला कमा करें फिर इसका। नहीं हम चख रहे हैं कि मतलब मैं तो चख ही ना हूँ लेकिन ये लोग शक्लें डाइट। आपकी स्पीड बहुत तेज है माशाल्लाह। वो चार चावल के दाने अपने हाथ से डालने के बाद इंसान खाते हुए झूठ ना बोले। सर देखिए आप ना दो चम्मच लेते हैं आप चख लेते हैं, हम थोड़ा टाइम लेते हैं ना प्रॉपर आपको फिर बताएं। अभी ये थोड़ा खा चुके हैं और चखने चखने में ना इतना कुछ चख रहे दोनों चुप हो गए। फिर एनालिसिस के लिए ना थोड़ी क्वांटिटी ज्यादा लेनी चाहिए। फिर एनालिसिस जो है ना एक दफा बंदा चख ले ना वो बता। पूजा तो हो गया, यहाँ इस साइड पे फ्रेम में नहीं आ सकता, फिजान है इतना बड़ा वाइड लेंस हो नहीं सकता क्योंकि जितना मर्जी वाइड लेंस हो जाए तो फिजान इज वाइड इनफ टू नॉट फिट इन। खैर अब है कि भाई कल हमें 23 मार्च को पूरा एक साल हो गया, एक साल जो है ना हमने किस तरह गुजारा है, क्या किया है, क्या कुछ सीखा है। और कोरोना के ढाई साल में जो कुछ सीखा ना वो तो भाई ये हाथ जुड़ गए। दोस्ती जो कहते हैं दोस्त है, बहुत सारे लोग पूछते हैं फलाना की तरह समझ जाओ यार। अब हर चीज़ मुँह से ओपनली अगर मैं बोलूँगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा भाई, जिसने जो भी किया है मेरे साथ बुरा किया अच्छा किया, बट मैं उस तरह का इंसान ही हूँ जो आके ना किसी का नाम ले के ना कुछ भी कहे। सो बाकी सारे समझ गए होंगे। और फिर बात आ जाती है कि मैं कुछ भी करने लगता हूँ ना मैं आप लोगों से ज़रूर पूछता हूँ कि यार जिस तरह गाड़ी के हवाले से। लेकिन जो अच्छी बात है ना एक साल हो गया हमें, और एक साल के अंदर हमने रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर जिसने मतलब मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई टेक्स टाइम फॉर अ बिजनेस टू फ्लरिश। आप अपनी मेहनत करते रहो, आप अपने पूरे दिल से अपनी ऑनेस्टी के साथ लगे रहो तो उसका एक ना एक दिन अल्लाह ज़रूर उठा देता है। तो एक्चुअली हमें अब मिलना शुरू हो गया, शुक्र है। एंड बात यह है कि दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट। आगे हमने ये नहीं कि यार यहाँ पहुँचना था तो बस अब ईज डाउन हो जाओ, नहीं। अब इसका मतलब है कि डबल ट्रिपल हमने आगे मेहनत करनी है टू रीच टू अ पॉइंट जो कि मैं समझता हूँ इज़ वेयर आई वॉन्ट टू बी इन मोर एक और साल के अंदर। तो ये कि एक साल पूरा हुआ कल, आप किसी ने इंस्टा जो मेरे इंस्टाग्राम पे है उसने देखा होगा स्टोरी मैंने दो तीन बनाई थी शेयर की थी कि हम लोगों ने रात को जो था स्टाफ को ऑब्वियसली वी डोंट हमारे स्टाफ को हमें खुद भी इतना टाइम नहीं मिलता कि हम कहीं एक्चुअली किसी और जगह पे जाके कोई डिनर कर सकें, कोई घूम सकें, कुछ भी कर सकें। तो हमने कहा वाई नॉट यहाँ ही एक बफे लगा के और यहाँ खाना करते हैं। वो ऑब्वियसली मैंने ब्लॉग नहीं किया बिकॉज वो ज़रा थोड़ा था कि यार आज हमने
अचीव एक अचीवमेंट टारगेट जो था वो अचीव कर लिया, तो हमने कहा अब जरा ईज डाउन करें। तो अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने सिर्फ अपने साथ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि यार आप लोगों ने जो इंस्टा पे मैंने पूछा था गाड़ी के हवाले से, आई होप के मेजॉरिटी को मैंने सेटिस्फाई किया हो। बाकी है कि अगली गाड़ी जो है वो तो लेजेंडर बुक हुई भी है, अब मैंने जिस तरह का देखेंगे वो रखनी या नहीं रखनी आप लोग उसके बारे में भी मुझे बता देना। और इस व्लॉग को फिर यहाँ ही ख़त्म करते हैं क्योंकि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीज़ा तो आ गया, वीज़ा आ गया तो आप लोगों को तो पता है कि इस्लामाबाद मैं इसलिए गया था, तो फिर कभी ना कभी तो आप जल्द इंशाल्लाह थाईलैंड से हम मोस्ट लाइकली सारे जहाँ से व्लॉगिंग शुरू हुई थी वहाँ से ही हम दोबारा शुरू करेंगे। आप ना ही वाटर एक्टिविटी करना, पिछली दफा जब आपने की थी ना तो मुझे 1,09,000 रुपए की फटकी लगी थी, मैंने मना किया व्लॉग में है अभी भी, मैंने कितनी दफा कहा था मैंने फोन लेके नहीं जाना। तो इस व्लॉग को यहाँ ही खत्म करते हैं बाय सेइंग लाइक ऑलवेज स्टे सेफ स्टे हेल्दी, और फिर मिलते हैं, पीस आउट।